हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और मैं रिएक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर शेख रशीद अहमद के दो स्पीचेस पर करूँगा मैं, पेशावर और कराची के, जिसमें हम देखेंगे वो इमरान खान की तरफ से क्या बोल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी और लाउड आवाज़ में उन्होंने स्पीच दी हैं, वो सुनेंगे। और ये भी सुना है कि वहाँ पर फिरोज़ खान जो एक्टर है पाकिस्तान के, वो भी पहुँचे थे कराची जलसे में इमरान खान की तरफ से, तो उसकी झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। Hi guys, this is Firoz Khan. I'm here at the PTI Jalsa Karachi. और बहुत excited हूँ आज, और खुशी है कि मैं पाकिस्तान के लिए इस कीमती वक्त में मैं कल अपने आप को ये बता सकता हूँ कि मैं मौजूद था। तो जितने भी मुझे देखने वाले और मुझे पसंद करने वाले हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा अपने फैंस को कि मेक श्योर यू हैव योर नेम रिटन इन द लिस्ट हु स्टूड अप फॉर द नया पाकिस्तान। बाकी स्पीच स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मेरे पास सिर्फ दो मिनट हैं। मैं 6 नवंबर वजीर आजम साहब 1968 को यहाँ जिना पार्क में यूब खान के खिलाफ आया था, इसका 10वां हिस्सा भी लोग मौजूद नहीं थे। भीड़। मैं वजीर आजम साहब हर के निशान पे आया था, खुदा की कसम 1977 में, इसमें यहाँ 10वां हिस्सा भी लोग मौजूद नहीं थे। आज कौम इमरान खान के पीछे निकल आई है। आज इंटरनेशनल ताकतें जिन्होंने सद्दाम के साथ क्या किया, जिन्होंने कजाफी के साथ क्या किया, जिन्होंने यमन में क्या किया, मैं इमरान खान एक ही बात कहता हूं, एक मिनट दे दो, ये साजिश ऐसे तैयार नहीं हुई इमरान, ये 6 महीने की साजिश है। अब ये सदर के खिलाफ इंपीचमेंट लाएंगे और दुनिया में जो आदमी इमरान खान जितना मकबूल होता है उसे खत्म कर दिया जाता है। सारी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी हो जाए। 16 तारीख को कराची में, और मैंने इमरान खान से अपील की है कि लाहौर के जलसे पे नजरसानी करे, आओ मेरे साथ नारा लगाओ, एक मिनट का नारा। वो लोग जो फौज को गालियां देते थे खान साहब, जो फौज को गालियां देते थे, वो बूट पॉलिश वाले वापस आ गए हैं। बूट पॉलिश, जिनकी प्लेटें नीचे और ऊपर हो गई थी वो वापस आ गए हैं। लोगों तैयार हो जाओ, आज 13 तारीख है, अगले माह की 29 तारीख तक मैं देता हूं, हम इमरान खान को वापस लाएंगे अमन के रास्ते में। हम इस मुल्क में जो हमारे सदर की, जो लोग मेरे साथ तैयार हैं कि इमरान खान के लिए 1 महीने के बाद जेलों को भर देंगे, वो हाथ खड़े करें। नारे तकबीर, इमरान खान, पाकिस्तान। 16 तारीख को कराची में जरा मैं थोड़ा सा एमक्यूएम के साथ हेलो हाय करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड की मेरी तकरीर है सिर्फ। मैं फातिमा जना के उस जलसे में था कराची के लोगों, आज आपने फातिमा जना के जलसे का भी इमरान खान के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तो जीता भाई कराची में, और वो लोग 10 से 20 लाख लोग बता रहे ने बड़ी मुश्किल से 3 मिनट देता है। और मैंने रोजा रसूल पर भी जाना है यहाँ से। वो लोग जो फौज को गाली देते थे, बढ़िया दे रहा है स्पीच, मतलब आप लगा लें डीजल का नारा, बढ़िया खींच रहे, खिंचाई बढ़िया करते हैं।
डीजल, मुझे पता चल गया है डीजल किसको बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं वो बताओ तुम्हारे। बस बस मेरे पास 3 मिनट। वो लोग जो लंदन से बैठ के फौज को गाली देते थे, वो लोग जो गुजरांवाला में फौज को गाली देते थे, वो लोग सुनो सुनो जिन पर सुन लो भाई अदालत फैसला देने वाली थी बाप और बेटे पर क्या लगाया जा रहा था, फर्दे जुर्म। उस बाप और बेटे पर जिस तारीख को फर्दे जुर्म लगाया जा रहा था, उसी रोज उस बेशरम उस चोर और डाकू को वजीरे आजम बना दिया गया इस मुल्क में। और लोगो आखिरी बात मेरी सुन लो, सुनो भाई, जो कौमें गैरतमंद इमरान खान जैसा लीडर पैदा करती हैं, उसके साथ यार ना ने यार रिकॉर्ड तो टूटा है भाई, इंटरनेशनल ताकतें सद्दाम वाला सलूक करती हैं, उसके साथ इंटरनेशनल ताकतें कजाफी वाला सबूत करती हैं, उसको जेलों में डाला जाता है। मैंने इमरान खान साहब से 4 महीने पहले हाथ जोड़ के कहा था असेंबली को तोड़ दो, मैंने कहा था मार्च के इमरजेंसी लगा दो, मैंने कहा था गवर्नर राज लगा दो, और मैं इंशाल्लाह लाहौर के जलसे के बाद इमरान क्या बोला एमक्यूएम वालों, ये आसफ जरदारी नवाब शाह से काउंसलर नहीं बन सका। सुनो सुनो एक मिनट सुनो, मैं तारीख बताना चाहता हूं, ये वही डाकू आसफ जरदारी है जो नवाब शाह से काउंसलर नहीं बन सका, जो अपने बाप हाकिम जरदारी की सीट पर एमएनए नहीं बन सका, ये बेनजीर का एक जेली दस्तावेजात लाकर इसने इस मुल्क पर कब्जा किया है, इस डाकू ने कब्जा किया है। और लोगों लोगों जब अयूब खान ने मुझे देखा, उसने कहा तू है शेख रशीद, मैंने कहा मैं हूं शेख रशीद, उसने कहा फौज सियासत में तो नहीं है तू क्यों। यहया खान ने मुझे कोड़ों समेत 1 साल की सजा दी, आज मैं पाक फौज से बात करना चाहता हूं, पाक फौज से आखिरी जुमला कह के स्टेज छोड़ना चाहता हूं। सच में 1 साल कोड़ों की सजा झेली उन्होंने, हम तुम्हारे साथ हैं, देखो पाकिस्तान का झंडा लहराओ लोगों, लहराओ इमरान खान का झंडा, तराना लगाओ नगमा लगाओ आखिरी मिनट का, ताकि देखा जाए कराची पाकिस्तान का झंडा इमरान खान के साथ उठाए हुए है, और इमरान खान को वापस लाना होगा, अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें भर देंगे। ओहो भाई, जेलें भर देंगे। अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें, मजा नहीं आया, किससे भर देंगे, पब्लिक से जो सपोर्ट में है इमरान खान। मेरी जिंदगी में ये सबसे मुश्किल वक्त था, मुझे फैसला करना था, मैं रिटायर होने जा रहा था, मैंने कहा जो इस वक्त में इमरान खान को छोड़े वो नस्ली और असली नहीं और अपने बाप का नहीं है जो इस मौके पे तगड़ा यार। अच्छा कराची, कराची इमरान खान साहब ने जब 1996 में पार्टी बनाई, तहरीक इंसाफ और अपनी कौम से एक वादा किया, वो वादा था कि ना इमरान खान कभी अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकेगा, ना अपनी कौम को कभी झुकने देगा। कराची ये बताओ कि क्या इमरान खान ने यह वादा पूरा किया है कि नहीं। तो आइए फिर एक वीडियो पैकेज देखते हैं, खुद तारी आपको इंशाल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा।
अच्छा, मैंने जब 23 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी कि ना झुकूंगा। आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. वो स्पीचेस थी इनकी, पेशावर की थी। आप पेशावर में स्पीच देने के बाद बोल रहे थे कि मैं इनसे मिलूंगा, जो अपोजिशन वाले जो अभी गवर्नमेंट बन गई है उनके बारे में बोल रहे थे कि मैं कराची के जलसे में उनसे रूबरू हूँगा, दो दो हाथ करूँगा, कुछ ऐसा कर रहे थे। और वहाँ पर जाकर उन्होंने करा। मैं जैसा कि बीच में बोल रहा था कि मुझे इनका अंदाज़ बढ़िया लग रहा था बोलने का, स्पीच बहुत तगड़ी दे रहे थे। एंड इन्होंने अपना कुछ आप बीती भी बताई कि मैंने एक साल मुझे सज़ा मिली कोड़ों वोड़ों की, मतलब एक साल की। तो वो कन्फर्म करना कमेंट सेक्शन में कि ऐसा सच में हुआ था या नहीं। एंड शेख रशीद की आई रियली डोंट नो कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हैं, इतना पता है मुझे बहुत टाइम से। और स्पीचेस बहुत तगड़ी दे रहे हैं, दोनों ही स्पीचेस बहुत तगड़ी थी उनकी, एकदम खिंचाई पॉइंट पर कर रहे हैं यार, बहुत ही, मतलब सुन ले अगर सामने वाला तो पानी पानी हो जाए, इस टाइप की कुछ कर रहे हैं। क्राउड ज़बरदस्त था, एक्टर्स निकल कर पहुँचे हैं सपोर्ट में, पाकिस्तान में पीटीआई के सपोर्ट में, इमरान खान के सपोर्ट में। इतने, मतलब फिरोज़ खान का वीडियो जैसा कि आपने भी देखा और मैंने भी देखा था कि वो जलसे में पहुँचे हैं भाई, झंडा वंडा लेकर इमरान खान का। तो बहुत सारे लोगों को मैं इंस्टाग्राम पर भी देखता रहता हूँ, वो उनके पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं कि क्राउड है इतना पहुँचा। और ये भी मैंने सुना है, एक कमेंट आया था आप में से किसी का कि नासा ने कैप्चर किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जलसा हो गया था कराची का, सबसे बड़ा जलसा दुनिया का। मायने रखता है भाई, वो ऊपर से नासा जो इस पे ऊपर से जो कैच करते हैं ना रडार वगैरह से, वो इमेज कराची की दिख रही थी, मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है सीन। मुझे वो पिक्चर तो नहीं मिली लेकिन ऐसा सुनने में आया है, अगर ये भी कंफर्म करिएगा अगर आपको पता है तो। तगड़ी स्पीच थी एंड बहुत ही तगड़े तरीके से, मतलब बहुत ही फ्री होकर बोलते हैं, मतलब अपने मौज मस्ती वाले अंदाज में लग रहे थे शेख रशीद। एंड स्पीच वाकई में उन्होंने तगड़ी दी है, हिला देने वाली दी है पोजीशन को। सो गाइज़, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।